आपको लगता है कि दूध का कोई ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हो तो आप बहुत सारे अवेलेबल, तो आप उनका प्रयोग करते हैं या दूध का? मैं तो एक्चुअली ना तो दूध पीता हूँ ना मैं ऑल्टरनेट पीता हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन, मैं तो जानवर खा जाता हूँ, मेरा तो वो पूर्ति हो जाती है। तो जैसे नॉन वेज की बात करें तो डू यू केयर कि उसके पीछे जो जानवर है उसकी सफरिंग 1 लेवल की है, 2 की या 10 की? एक्चुअली मेरे जो जानवर प्रोड्यूस हुआ है खाने के लिए ना जी, उसमें फिर सफरिंग का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाता है। जैसे कि अगर मुर्गी पोल्ट्री फार्म में बन रही है जी, तो वो खाने के लिए प्रोड्यूस हो रही है, पर उसको दर्द नहीं होता क्या पोल्ट्री फार्म वाली मुर्गी को? जरूर होता है। और अगर बकरा किसी फार्म में बन रहा है तो उसको भी दर्द होता होगा, है ना। बट एज अ फूड लवर, एज अ नॉन वेज ईटर, आई वुड लाइक टू ईट। तो अगर 95% लोग नॉन वेज खाना छोड़ देंगे जी, तो आज ये एक गाय दिख रही है आपको, यहाँ आपको 500 गाय दिखेगी, 500 जानवर। आपको ये लगता है कि क्योंकि अब ये जंगली जानवर नहीं है, ये डोमेस्टिकेटेड जानवर है, इसकी प्रोडक्शन ही मीट के लिए की जा रही है, तो जिसकी प्रोडक्शन ही मीट के लिए की जा रही है तो लोग ओवरनाइट तो नहीं छोड़ेंगे ना नॉनवेज खाना। अगर डिमांड कम हो जाती है तो प्रोडक्शन भी कम होगी उसी अनुसार। बिल्कुल ठीक। बस मतलब वो तो आप नहीं से ये बात कर रहे हो कि लोग अगर मोटर बाइक खरीदना छोड़ देंगे तो आपको सड़क पे ज़्यादा मोटर बाइक दिखेंगी या कम दिखेंगी, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन कम होगी तो सड़क पे मुर्गे ज़्यादा थोड़ा ना दिखेंगे आपको। तो आप डोमेस्टिकेटेड जानवर की बात कर रहे हैं पर वाइल्ड एनिमल्स की? हम तो वाइल्ड की बात ही नहीं कर रहे ना, आप जैसे इस समय फिलहाल जो मीट खाते हो, लॉजिक था वो वाइल्ड भी इंक्लूडेड था। मेरा सवाल ये था कि आपको फर्क पड़ता है कि उसकी सफरिंग 1 से 10 तक किस स्केल की सफरिंग है? पर्सनली मुझे नहीं पड़ता। ओके, बट मैं कुछ लोगों जानता हूँ जिनको पड़ता है, जिन लोगों ने इनफैक्ट मीट खाना छोड़ दिया है आफ्टर विजिटिंग बुचर शॉप। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, मैं आपसे जानना चाहूंगा, दिस इज नॉट अ जजमेंट, कि आपको क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि इट्स नॉट इनह्यूमन, जैसे मैं इनह्यूमन नहीं होऊंगा ये कह के कि मैं बकरे का बलि देख के उसे गर्दन जब कटती है उस पे छैरी निकलती है। फॉर मी बिकॉज आई हैव लिव्ड इन एनवायरनमेंट, बिकॉज आई हंट, बिकॉज आई कुक, सो आई थिंक फॉर मी दैट इज़ यूजुअल। ऑल्सो आई एम अ मीट ईटर, आई एम अ मीट लवर, तो मुझे लगता है कि फूड मेरे लिए दाल भी उतना ही फूड है, छोले भटूरे भी उतना ही फूड है जितना कि लाल मांस। जैसे सुअर है, सुअर की खाल जो है बड़ी सख्त होती है, तो सुअर को मारने के लिए उसको जिंदा उबालते हैं ज़्यादातर, तो पता नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, तो मतलब ये नॉर्म्स के अनुसार नहीं है पर यही किया जाता है। या जैसे गाय का जो स्लॉटर है हथौड़े से किया जाता है। जिस दिन मुझे ये मालूम पड़ जाए कि जो सुअर मैं खा रहा हूँ ये जिंदा उबाल के आ रहा है, तो मैं वो ना खा के जो ना उबल के आ रहा है मैं वो खाना चाहूँगा, बट मैं खाना चाहूँगा। अच्छा, व्हाट अबाउट जो मुर्गियाँ दड़बे में छोटे छोटे होती हैं कटने से पहले? तो वो तो बनने वो बनी पैदा ही बेचारी इसलिए हुई है कि उनको किस दिन बटर चिकन बनेगा। पर वो पेनलेस मुर्गियाँ थोड़ा है। तो पेनलेस आपका, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसे पेनलेस बनाना चाहिए प्रोसेस। अगर मैं उसमें हेल्प कर सकूं कि उसको प्रोसेस को पेनलेस बनाया जाए कि खुले में दौड़ रहे हैं बकरे आराम से मजे कर रहे हैं, एक दिन कच करके मेरा लाल मांस बन गए तो उस दिन अच्छा है, पर उसको पेन दिया जा रहा है इंजेक्शन करके KFC की तरह उसको बड़ा छोटा करा जा रहा है तो वो गलत है। आपने तो चॉकलेट खाता है? पता नहीं। तो चॉकलेट के अंदर कॉकरोच का पाउडर डलता है? नहीं, एक्चुअली चॉकलेट के अंदर कॉकरोच का एलिमेंट आ जाता है, डाला नहीं जाता, क्योंकि जब ककाओ फर्मेंट होता है तो दैट अट्रैक्ट्स बग्स। हाँ, तो चॉकलेट इज नॉट प्योरली वेजिटेरियन। करेक्ट, इट्स नॉट। तो जो आज तक लोग खा रहे हैं जी, गलत फहमी में जी रहे हैं, जो जैन खा रहे हैं, जो बेचारे सोच के कि लहसुन प्याज भी नहीं खाएंगे और चॉकलेट खा लेंगे जी, तो वो भी गलत। हाँ बिल्कुल, दिस इज रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, व्हाट आई एम सेइंग इज कि हाँ हाँ, बट वो तो दैट डज मेक, ठीक है, चॉकलेट वेज है नॉन वेज है वो तो आप छोड़ दीजिए, मैं तो सिर्फ आपकी बात कर रहा हूँ। टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए खा रहा है, हम जैसे लोग वो सॉसेजेस फ्लेवर के लिए खा रहे हैं। ओके, वही है मेरा। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि टेस्ट ट्रम्प्स एथिक्स। हाँ, मतलब एथिक्स, हमारे एथिक्स, मेरे एथिक्स में वो आता ही नहीं ना, आपके लिए एथिक्स में आता है राम मंदिर बनना चाहिए, मेरे में नहीं बनना चाहिए, तो हमारे एथिक्स तो डिफरेंट हो सकते हैं। थैंक यू थैंक यू, मजा आया।